पूरा का होमवर्क आपको नोटबुक में उसका ट्रांसलेशन और है वो लिखना है, ग्लोसरी है तो थोड़ी ग्लोसरी भी लिखनी है। अब हम उसके बाद आता है चित्रपदानी वन। तो चित्रपदानी वन है ए सब, ऐसे का मतलब होता है दिस, वो नजदीक की चीज बताने के लिए यूज होता है, और दूसरा है डेट, वो दूर की चीज बताने के लिए होता है। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो नाउ और प्रोनाउंस, नाउ और प्रोनाउंस का उपयोग कैसे करते हैं आप लोग, के नाम की जगह पे जो शब्द का यूज होता है उसे बोलते हैं प्रोनाउंस। तो इसमें संस्कृत में भी ऐसा ही है। और आपको पता है कि तीन लिंग आती है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, इसमें भी यही प्रयोग हुआ है। तीन वचन आते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बाकी दूसरी लैंग्वेज में दो वचन आते हैं, एक वचन और बहुवचन। आज हम संस्कृत में तीन लिंग है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहली लिंग है पुल्लिंग, इस सारे वर्ड से वो सब पुल्लिंग है। पुल्लिंग आपको पता है ना, ऐसा सुखा, सुखा का मतलब होता है पैरोट, तो पैरोट कैसा, क्या हुआ वो पुल्लिंग। तो ऐसा सुखा मतलब ऐसा के लिए क्या आएगा इंग्लिश में, दिस, दिस इज अ पैरोट। इसका है सह, सह का मतलब है डेड, सह मयूर, सह मतलब दूर की चीज बताने के लिए होता है कि डेड इज अ पिकॉक। ऐसा स्वान, दिस इज अ डॉग। ऐसा सह सिंह, डेट इज अ लायन। ऐसा गज, दिस इज अ एलिफेंट। ऐसा अश्व, डेट इज अ हॉर्स। ये हमने देखा है पुल्लिंग वर्ब सर्वनाम। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग जो सब एक वचन में है। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग रूप, तो ऐसा, ऐसा मतलब सब स्त्रीलिंग ही है। ऐसा मतलब दिस, सा मतलब डेट। ऐसा बालिका, कि ये बालिका है, बालिका मतलब स्त्रीलिंग रूप। ऐसा बालिका, दिस इज अ गर्ल। सा प्रतिमा, डैड इज अ आइडल। ऐसा उत्पीठिका, दिस इज अ टेबल। सा सचिका, डैड इज अ फाइल। ऐसा गीता, दिस इज अ गीता। सा पूजा, डैड इज अ पूजा। फिर हम नपुंसकलिंग देखेंगे, कि वो एत मतलब दिस और तत मतलब डेट, ये सारी चीज नपुंसकलिंग है। वातायनम मतलब विंडो, द्वार मतलब डोर, ऐसे एतत वातायनम, दिस इज अ विंडो। तत द्वारम, डेट इज अ डोर। एतत पुस्तकम, दिस इज अ बुक। तत चित्रम, डेट इज अ पिक्चर। एतत बस यानम, दिस इज अ बस। तत विमानम, डेट इज अ एरोप्लेन। फिर हम देखेंगे अहम मतलब आई और त्व मतलब यू। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो प्रथम पर्सन जो आपको आता है आई, और सेकंड पर्सन में आता है यू, ऐसे ही संस्कृत में आपको आई और यू का यहाँ पर प्रयोग करना है। उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीन ही लिंग आती है। तो अहम शिक्षकम, आई एम अ टीचर। त्वम छात्र हो, यू आर अ स्टूडेंट। अहम बालिका, आई एम अ गर्ल। त्वम बालक हो, यू आर अ स्टूडेंट। बालक मतलब बॉय, यू आर अ बॉयज। अहम युवक, आई एम अ यंग बॉय। त्वम युवती, यू आर अ